जय हिंद फ्रेंड्स, जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इंग्लिश क्लासेस। ये क्लास टेंथ के इंग्लिश के पोएट्री का पोयम है एनिमल्स बाय वाल्ट व्हिटमैन। इसका आज हम लोग लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस करेंगे। इसके पहले इसका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस और कम्प्रिहेंशन मैंने अपलोड कर दिया है। यदि उसको आपने नहीं देखा है तो इस चैनल के प्लेलिस्ट से आप देख सकते हैं। और यदि मेरी वीडियो से आपको कोई भी हेल्प हो रही हो तो मेरी हेल्प करने के लिए इस वीडियो के नीचे थैंक्स बटन का ऑप्शन होगा, वहाँ से आप मेरी हेल्प कर सकते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, व्हाट अकॉर्डिंग टू यू शुड बी द वर्चुअस दैट ह्यूमन शुड पोसेस, यानी आपके अनुसार मानव के अंदर कौन से गुण होने चाहिए। तो इसका आंसर है, ह्यूमन बींग्स आर एम्बिशियस ग्रीडी एंड सिनफुल, यानी मनुष्य महत्वाकांक्षी लालची और पापी है। दे डू मिसडीड्स एंड कमिट सिंस फॉर विच दे रिपेंट एट नाइट, यानी वह बुरे कर्म और पाप करता है जिसके लिए वह रात में पश्चाताप करता है। पोएट अप्रेजेस एनिमल्स गुड क्वालिटीज विच अ ह्यूमन मस्ट एक्वायर टू मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू लिव, और कभी यहाँ जानवरों को अच्छे गुणों की प्रशंसा करता है जो मनुष्यों को उनके अपना लेना चाहिए, मनुष्यों को अपना लेना चाहिए इस दुनिया को एक अच्छी जगह बनाने के लिए। द लैक ऑफ वैल्यूज लाइक ऑनेस्टी गुड डीड्स एंड इनोसेंस रिजल्ट इन अ करप्ट सोसाइटी, यानी अच्छे कामों और निर्दोषता जैसे मूल्यों की कमी के परिणाम स्वरूप भ्रष्ट समाज होता है। वेयर एज ह्यूमन्स कमिट्स सिंस एंड वीप ओवर इट्स लेटर एंड रिमेन डिसटिस्फाइड एंड अनहैप्पी फॉरएवर, और जहाँ मनुष्य बुरे कर्म करता है और बाद में उन पर पछताता है, साथ ही हमेशा असंतुष्ट और नाखुश रहता है। इसमें सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम एनिमल्स, यानी कविता एनिमल्स का मुख्य विषय क्या है। तो इसका आंसर आप स्क्रीन पर रीड कर पा रहे हैं। वीडियो को यहीं पॉज करें और इस आंसर को अपने नोटबुक में नोट करें और इसको लर्न करें। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।